अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। सर, जैसा कि अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि जो रेलवे में है या एसएससी में है या कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको शिक्षक भर्ती में जो बीपीएससी टीआरई 1 में दिया गया है, मात्र 30 तारीख तक समय दिया जा रहा है कि आप रिजाइन करके आ जाइए। कहीं भी रिजाइन करने विद्यार्थी जाते हैं और एनओसी जब प्राप्त करते हैं तो उनको समय मिलता है लगभग 1 माह मिनिमम लगता है। सर, ये कैसे होगा? सरकार कह रही है कि हम ज्वाइनिंग कराना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चे कह रहे हैं हमको नौकरी ही नहीं मिल रही है। नहीं, इतनी हड़बड़ी में सरकार को नहीं काम करना चाहिए जी। और कम से कम 1 महीना तो बच्चे को देना ही पड़ेगा, जिससे कि सभी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बिहार में परीक्षा पास किया है, उन लोगों को नौकरी में जाने में 1 से 2 महीना ये तो समय होता है, ये प्रोसीड्यूर है। बीपीएससी ने अपने पहले भी कई जो वैकेंसीज रहे उसके नियम तय किए हैं, उसके आधार पर करना चाहिए, कोई हड़बड़ी में ऐसा निर्णय नहीं लेना। सेकेंड लिस्ट को लेकर बच्चे बहुत परेशान है कि जो सीट खाली रह गई है, जिस पर नियोजित आ गए हैं या अन्य लोग आ गए हैं, उसको हटाकर कम से कम सेकेंड लिस्ट दिया जाए या जो बच रहा है उसके लिए कोई सरकार और आयोग इस पर कोई संज्ञान नहीं है। देखिए, ये सारे प्रोसेस चलते रहेंगे जी, इसलिए जो वैकेंसी क्रिएट होंगे उसके आधार पर नियुक्ति होगी, इसमें कहीं दूंगा। बच्चों को क्या आप संदेश दीजिएगा, जो भी बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, सबसे बात ये कि उनके जीवन का एक गोल है और उस गोल में वो सफल हो, मेरी शुभकामना है उनके प्रति। और बिहार में रहकर बिहार को और अच्छा करने का प्रयास करें, जिस भी जॉब में वो जाए ईमानदारी से बिहार को श्रेष्ठ बनाने में प्रयास करें। सर, एक समस्या है, सरकार के द्वारा 3 एग्जाम एक ही साथ लिया जा रहा है, वह दरोगा का एग्जाम है और बिहार में जो सिविल कोर्ट है कोर्ट का एग्जाम है और जेएसएससी का एग्जाम है, एक ही बच्चे तीनों फॉर्म भर दिया है, तो क्या सर ये समस्या हो जा रहा है? बेसिकली नीतीश बाबू अभी थोड़ा हड़बड़ी में है, उनको लग रहा है किसी तरह जनता को ठीक करूं जी। जनता तो उनके खिलाफ चली गई जी। उनको लगता है हड़बड़ी में कुछ चीजें करना चाहिए। सर, एक हमेशा से आरोप लगता है, 10-10 साल लग जाते हैं बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग में जो भी वैकेंसी दिया जाता है, ना प्रश्न पत्र विद्यार्थी को मिलते हैं, प्रश्न पत्र आप लेकर जाइए, अभ्यर्थी एग्जाम देकर आते हैं, कटअप भी जारी नहीं होता है, आंसर की भी जारी नहीं है। सर, इसको लेकर आप सदन में सर थोड़ा सा प्रश्न उठाइए। मेरा तो खुद का मानना है, भारतीय जनता पार्टी इन चीजों में बड़ा क्रिस्टल क्लियर है कि कोई यदि प्रश्न का कोई परीक्षा होता है तो उसका पूरा आंसर शीट भी 1 घंटे में उपलब्ध कराना चाहिए। हम पहले से तैयार रखें, जो जवाब है सरकार को देना पड़ेगा और ये पूरा एक मैकेनिज्म बनाना होगा, इसको क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा, इसमें पैरवी का पूरा कंसेप्ट खत्म करना होगा, इसलिए ये सारे प्रोसेस किए जाएंगे। समय देने